हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स। और ये वीडियो है, ये 29 तारीख का वीडियो है, फ्राइडे का। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ना मैं देखिए अभी सुबह का टाइम है, मॉर्निंग का, और मैं नहा धोकर रेडी हो गई हूँ। और यहाँ पर थोड़ा सा मैं तेल लगा रही थी, कोकोनट ऑयल। और अभी ना एक दो दिनों से ना धूप बहुत ज़्यादा धीमी धीमी सी है, पता नहीं क्यों धूप ना तेज नहीं है। तो मेरा सुबह का मॉर्निंग का जो काम है वो सारा हो गया था। अब बस मुझे फटाफट से जो है वो खाना बनाना है, तो मैं खाना बनाऊंगी। और अभी स्कूल से जो है कार्तिक नहीं आया, तो बस अभी मैं तेल लगा ली, थोड़ा सा तैयार यार हो जाऊंगी, कंघी कर लूँगी। तो आज मैंने चोटी बना ली, देखिए कैसी दिख रही हूँ मैं, मैंने चोटी बनाई हूँ। तो चलिए मैं रेडी हो जाती हूँ और थोड़ी सी बातें कर लेते हैं इस साल की और आने वाले साल की। तो अभी ना ये साल भी बस ख़त्म ही हो गया है, और एक आज फ्राइडे हो गया, सैटरडे और संडे। तो मुझे लगता है ये वाला वीडियो है ना, जब न्यू साल रहेगा तब तक पहुंच पाएगा। मेरे थोड़े से वीडियो जो है ना वो लेट हो गए हैं, मैं वीडियो की एडिटिंग बस नहीं कर पाई थी। शूट तो कर लिया था पर कर नहीं पाई थी, तो इस वजह से ना थोड़ा सा लेट हो गया। और फिर एक दिन का गैप हो गया था, मैंने वीडियो ही नहीं बनाई, तो ऐसे ही थोड़ी सी दिक्कत थी। तो ना वही धूप ना मध्य मध्य सी थी, तो मैंने सोचा चलो स्वेटर पहन लेती हूँ। और अभी ना ठंड में ना बिल्कुल अंदर रहो ना तो ठंडी ठंडी सी लगती है, तो मैं तो दिन भर पहने रहती हूँ। तो फ्रेंड, धीरे धीरे ये साल भी कट गया, आप लोग बताइएगा कैसा रहा आप लोगों का। मेरा भी बस ये है, ठीक रहा, ठीक भी रहा, नहीं भी रहा, सभी प्रकार का था। तो बस जैसा भी रहा बीत गया, साल सब अच्छे होते हैं, तो अपने अपने हिसाब से जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, और जो नहीं भी होना चाहिए वो भी अच्छे के लिए हो जाता है। तो सब ठीक ठाक से है, बस अब हमारा जो न्यू साल है वो आए तो बहुत सारी खुशियां लेकर आए, आप लोगों के जीवन में भी और मेरे जीवन में भी। तो मैं भगवान से बस यही प्रार्थना करूँगी। तो देखते हैं कैसा क्या होता है, अभी तो हमने कुछ सोचा नहीं है, और सोचा क्या है, सोच भी नहीं पा रहे हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं, बस क्योंकि अभी इतनी परेशानी में है ना। मैं बताती नहीं हूँ, मुझे कोई मतलब नहीं रहता है कि मैं ये सब बताऊँ, ये तो मेरा काम रहता है थोड़ा सा रूटीन में कि हाँ आप लोगों से बातें कर लेती हूँ तो मैं बताती हूँ। मैं ये थोड़ी कहती हूँ कि हाँ मतलब दिखा के नहीं कहती हूँ, क्योंकि मैं जब भी बताती हूँ ना तो कमेंट ही ऐसे आ जाते हैं ना, तो वही मैं सोचती हूँ कि मैं बता नहीं रही हूँ, आप दिखा नहीं रही हूँ आप लोगों को, मैं सिर्फ आप लोगों से बोलती हूँ, ऐसे आ जाता है बोलते बोलते वॉइस करते कि आप लोगों को, जब मैं अपना हर एक चीज़ बताती हूँ, शेयर करती हूँ अपना सुख दुख खुशी हर चीज़, तो मैं सोचती हूँ चलो ये भी आप लोगों के साथ एक हमारे पाठ का हिस्सा है तो बताना चाहिए। पर जो समझते हैं तो वो तो समझते ही हैं कि हाँ सही भी है, और जो नहीं समझना चाहते तो उनके लिए तो सब चीज़ फिर गलत है, सही भी है ना कोई चीज़ तो वो भी उनके लिए गलत है। तो बताने में मतलब आप लोगों से सिर्फ मैं बातें करती हूँ, दिखाती नहीं हूँ कि ये नहीं हो रहा या ये नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं रहता है। तो जो बीतती है और जो होता है वो मैं शेयर कर देती हूँ। तो फ्रेंड्स, बस प्लीज़ आप लोग ऐसे मतलब वो मत कीजिएगा, ऐसे दिमाग पे मत लीजिएगा मेरी बात है, बस मैं ऐसे ही आप लोगों से बोल रही थी। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी है ना यहाँ पर मैं खाना बना ही रही थी, थोड़ा सा लेट हो गई थी, सुबह सोच रही थी बनाऊँ, फिर हस्बैंड आए थे बीच में, तो वो कह रहे थे अभी मत बनाना, गरम गरम ही बनाना। तो फिर मैं तैयार यार होके अपना एडिटिंग का जो काम है ना
वही करने बैठ गई थी। इतने में आ गया कार्तिक, और कार्तिक आया और वो एकदम से ऐसे अपना जो टोपा है ना उसका, वो है ना ऐसे चिपकाते हुए आया था। तो वही बोला कि मैं तो घबरा ही गई, मैंने कहा क्या हो गया, तो बहुत ज़्यादा घबराहट सी हो गई ना एकदम से देखते से ही। तो एक ये जाते जाते साल में देखिए कितना बुरा, मतलब ये समस्या खड़ी कर दी इसने, ये सिर में चोट लग गई है, बहुत ज़्यादा कट गया है और खून भी बहुत ज़्यादा निकल रहा था ब्लड, और मतलब गले में ना बहुत ज़्यादा ब्लड लगा था, बहुत ही ज़्यादा। उसकी जो शर्ट है ना वाइट वाली, वो गंदी हो गई थी, एकदम ब्लड ब्लड हो गई थी। जो कॉलर है वो तो ज़्यादा ही लग गई थी, पता नहीं कैसे गिर गया था, और बस रो रहा था कि गिर गया, लग गई, पता नहीं कैसे दौड़ रहा होगा। तो जब स्कूल छूट गई थी ना, तब ये लोग ऐसे दौड़े होंगे, खेले होंगे, तो गिर गया। स्कूल के अंदर नहीं गिरा कह रहा, बस रोड पे बाहर। ये हुआ कि चलो ज़्यादा नहीं लगा, ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। तो फिर मैं उसी को देखने में लग गई, साफ़ किया मैंने अच्छे से उसका, जो पानी से धोया गलाला जितना भी लगा था। तो अभी बस उसको दिखाएंगे, उतना ज़्यादा नहीं लग पाया, बस बहुत ही मतलब थोड़ा सा ही लगा था, लेकिन कट गया था, कट हो गया था थोड़ा सा, तो बाल ना थोड़े से चिपक गए थे उससे ब्लड से। तो एक ही ये समस्या हो गई थी। तो ना इन्हीं वजह से ना कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ देखिए होता ही जा रहा है। मतलब मैं अभी आप लोगों से कह भी रही थी कि साल को क्या दोष देना, क्या बोले क्या नहीं। तो हर चीज़ ना, चीज़ें बिगड़ती जा रही हैं जाते जाते, और चीज़ें ना बिगड़ती जा रही हैं। सोचते हैं और कहते हैं कि हाँ हमारा आने वाला साल अच्छा होगा, और अच्छा ही होगा, क्योंकि हम देखकर थोड़ी आए कि क्या होने वाला और क्या नहीं, सब अच्छा ही होता है। तो फिर उसके बाद देखिए मैं फिर किचन में आई, थोड़ी देर बैठी थी उसके साथ, कार्तिक के साथ। फिर मैं किचन में आई तो मैं यहाँ पर रोटी वोटी मैंने बनाई, कुछ मन नहीं लगा, जो भी चीज़ें रखी हुई थी फिर उसी में हमने खा लिया खाना, हमने फिर मैंने ज़्यादा कुछ बनाया नहीं। तो ये हो गई है नेक्स्ट मॉर्निंग की सुबह, और नेक्स्ट मॉर्निंग की सुबह हो गई और यहाँ मैं बना रही हूँ नाश्ता। तो ये टिफ़िन बना रही हूँ कार्तिक के लिए, अभी उसको थोड़ी सी लग गई ना, उसके बाद भी वो स्कूल जा रहा है, उठ गया था। और फिर लास्ट डे था, आज सैटरडे था, तो सोचा उसने कि चले जाते हैं, तो इसीलिए मैं उसके लिए अच्छा सा नाश्ता जो है ना वो बना रही हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने अब ये जो बैटर है ना इडली वाला, ये मैंने बना कर रखा था, इसमें मैंने कुछ सब्जियाँ डाली हैं, टमाटर प्याज हरी मिर्च बारीक बारीक चॉप करके और इसमें मिलाई है, और इस तरीके से छोटे छोटे से पैनकेक की तरह मैं इनको बना रही हूँ। अब पे तो मैंने उस दिन बनाए थे, तो मैंने सोची कुछ नया सा इस तरीके से बना देती हूँ। और देखिए इसके ऊपर से मैं थोड़ा थोड़ा सा ये सांभर मसाला है ना, ये छिड़क दे रही हूँ। एक बार जब मैंने बनाया था ऐसे ही उत्पम वगैरह की वो, तो मैंने ये सांभर मसाला डाल दिया था ना, तो काफ़ी अच्छा टेस्ट आया था, मैंने आप लोगों को शायद बताया भी है, तो इसलिए मैंने सोचा आज इसको यूज़ करते हैं। पर मैंने ये जो जब डाला ना, थोड़ा सा ये ऊपर से ड्राई ड्राई हो गया था, इसको जैसे ही बैटर को जब हम फैलाते हैं ना, गीला रहता है बैटर, तभी उसी टाइम पे ये मसाला डालना था मुझे, तो ये गलती हो गई। तो मसाला मैंने तब डाला जब ये ढक दिया था मैंने पैन की, और थोड़े से ड्राई हो गए थे, तो वो चिपकता नहीं इतने अच्छे से, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा हो गया था। तो अब की बारी मैं बनाऊँगी, अभी दूसरी बारी में, तो फिर मैं उसी टाइम पर डालूँगी। तो ये तो हो गए रेडी टिफ़िन के लिए, और अभी मुझे मेरे लिए भी बनाना है और मेरे हस्बैंड के दोस्त के लिए बनाना है, क्योंकि उन्होंने कहा कि थोड़ा सा फ्रेंड के लिए बना देंगे उनको, तो मैं बना दूँगी।
तो यहाँ पर देखिए मैं टिफ़िन जो है ना वो पैक कर रही हूँ, और आज छोटे वाले टिफ़िन में मैं दे रही हूँ क्योंकि टिफ़िन नहीं धुल पाया था जल्दी जल्दीबाजी में, तो इसलिए मैंने सोचा चलो इसी में मैं दे देती हूँ। और नहीं सॉरी, टिफ़िन धुल नहीं पाया, मतलब दिमाग में क्या चल रहा क्या नहीं। ये छोटा सा थोड़ा सा ही नाश्ता था और सैटरडे था, लंच होता नहीं है लेकिन फिर भी वो ले जाता है, खा लेते हैं बच्चे, तो फिर मैंने सोचा इसी में रख देती हूँ छोटे से टिफ़िन में। तो देखिए एक मैंने छोटा सा पाउच जो आता है टमाटो सॉस का वो मैंने पहले रख दिया है, और उसके बाद मैं ये पैनकेक है ना वो रख दे रही हूँ। मतलब इनको मिनी उत्पम बोल लीजिए या छोटे वाले पैनकेक जो भी बोलना चाहे बोल दीजिए, मुझे तो नहीं पता, मैं बस बोले जा रही हूँ कुछ भी। तो छोटे पैनकेक या उत्पम, बस खाने उत्पम जैसे ही हैं, बस वही नाम है इसका, तो मैं कुछ भी बोल दे रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने टिफ़िन जो है ना कार्तिक का वो पैक कर दिया है, और उसके बाद तो चार और मैंने एक्स्ट्रा बना दिए थे तो मैं उनको भिजवा दूँगी, और उसके बाद फिर मैं अपने लिए बनाऊँगी। तो मैं अपने लिए यहाँ पर देखिए और मैंने थोड़ा सा और सब्जी जो है वो काटी थी तो वो मैंने इसमें ऐड कर ली, और मसाला मैं अपने लिए जब बना रही हूँ ना तो मसाला नहीं छिड़कूँगी, मैंने सीधे इसी में बैटर में ही मिला लिया है, जो सांभर मसाला था मैंने सोचा इसी में मिला लेती हूँ, टेस्ट तो वैसे भी आएगा और ऐसे भी आ जाएगा। तो अब बस मैं यहाँ पर अपने लिए बना लेती हूँ थोड़े से, और इतने अच्छे बन रहे थे ना, आप देख रहे हैं ना लोहे के तवे में बना रही हूँ तो बहुत अच्छे से निकल जा रहे थे, बहुत बढ़िया से बन रहे थे। तो हमने देखिए जाते जाते साल में बहुत बढ़िया बढ़िया सा नाश्ता जो है वो बनाया, खाया, इंजॉय किया, अच्छा लगा, कुछ नया नया सा। तो अपने लिए तो यही नया है, हमारे लिए तो अच्छा सा नया, मतलब अभी दो तीन दिनों से जाते जाते सालों में अच्छी अच्छी चीज़ें मैंने बनाई और खाई, और अब देखते हैं न्यू साल पे क्या होता है, न्यू ईयर पे क्या होता है। तो यहाँ देखिए मैं छोटे छोटे से मैं भी अपने लिए ऐसे ही बना ले रही हूँ, और बहुत कम मैं इस तरीके से छोटे छोटे से बनाती हूँ, पर आज जब बना रही थी ना तो इतना अच्छा लग रहा था, बड़ा मज़ा आ रहा था बनाते बनाते, क्योंकि ये ना बहुत अच्छे से निकल भी जा रहे थे और बिल्कुल चिपक नहीं रहे थे और जल्दी जल्दी से बन जा रहे थे, इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लग रहा था। और अब पे में ना थोड़ा सा टाइम तो लगता है, देखिए उसमें कम से कम 7 से 8 मिनट तो एक टाइम में, मतलब एक जो एक साइड में देना पड़ता है। मैं धीमी आँच पे बनाती हूँ ना तो इतने ही टाइम हो जाता है, किसी किसी को कम भी लगता होगा, पर मैं 7 से 8 मिनट का टाइम जो है ना लग जाता है एक साइड सेकने में, और ये तो ना 5 मिनट में ही बन जा रहे थे दोनों साइड में, 5 मिनट बस तुरंत से जैसे ही मैंने डाला और तुरंत से मतलब ऊपर से सूखने लगता है, और इस तरीके से ढक दो ना। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और अभी देखिए सुबह सुबह मेरी किचन में मेरा नाश्ता बन रहा है, यही नाश्ता मैंने आज कार्तिक को टिफ़िन में दिया है अभी रख के, और मेरे हस्बैंड के एक फ्रेंड को भी, वो कहने लगे कि थोड़े से और बना देना एक्स्ट्रा करके तो उसको भी दे देंगे। तो अभी बस मैं बना रही हूँ अपने लिए थोड़े से, चार बस बना रही हूँ, और थोड़ा सा मैंने ना ऊपर से वो डाला है लाल वाली मिर्च, थोड़ा सा स्पाइसी खाने के लिए। और कार्तिक के और बनाए थे ना वैसे तो उसमें मैंने सांभर मसाला जो है ना वो छिड़का था, बहुत अच्छा टेस्ट आया था उससे, तो लग ही नहीं रहा था कि उसमें सॉस, वैसे एक सॉस का पैकेट ले लिया है ऐसे ही, मतलब ये है ना ऐसे भी अच्छे लगते हैं बहुत अच्छे। तो बस मेरे ये बन जाए, मैं ये खाऊँगी, 9 बज गए हैं आज, बहुत जल्दी गया है वो, बहुत ज़्यादा 9:45 बजे चला गया स्कूल, वैसे भी आज हाफ डे है ना तो कार्तिक जल्दी आने वाला है, सैटरडे है आज तो जल्दी आ जाएगा वो। और बस मैं यहाँ पर देखिए कितनी बिल्कुल धीमी धीमी सी धूप है आज ना, धूप भी तेज नहीं है अभी तक, ऐसा लग रहा है जैसे फॉग वाला मौसम है, फॉग वाला।
लग रहा है ना। और देखिए गुलाब जो है ना वो खिलने वाले हैं, कितने सारे गुलाब खिलेंगे, एक दो और एक ये है, तीन और ये है, चार पांच, बहुत सारे हैं, ऊपर भी है, तीन तीन के गुच्छे हैं, ये देखिए एक इसमें भी है, बहुत ऊपर है, इसमें तो हाथ ही नहीं जाएगा, बहुत अच्छा लगेगा जब पूरा गुलाब से भर जाएगा, है ना। और इसमें भी देखिए नई नई पत्तियां आ रही हैं, बहुत सारी नई नई पत्तियां, फूल भी आ रहे हैं, एक हो गया, मैं अभी आप लोगों को ये अपनी गुलाब की छोटी छोटी कलियां दिखा रही थी। मुझे लगता है मेरे गुलाब की जो कलियां है ना वो न्यू ईयर तक जरूर से खिल जाएंगी। मैं आप लोगों को लास्ट में, अभी नहीं नेक्स्ट वीडियो के लास्ट में ज़रूर से दिखाऊंगी कि मेरे गुलाब की जो कलियां हैं वो कहां तक पहुँची हैं होने में, तो फिर आप लोगों को दिखाऊँगी और न्यू ईयर पर क्या होता है। तो देखिए फ्रेंड्स आप लोग ना वीडियो ज़रूर देखना, पूरा पूरा देखना, और आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए। आई होप कि आप सभी को वीडियो पसंद आई होंगी, वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स मैं मिलूँगी आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, बाय बाय।